नमस्कार मु सुदर्शन मिश्र मोटिवेशनल स्पीकर सेल्फ डेवलपमेंट ट्रेनर मो सहित जोड़ रहा चैनल को सब्सक्राइब करूँ तो जो भी आपको सब गुरुत्वपूर्ण जिनस शुणापी मिले जहाँ आप जीवन को परिवर्तन करिवार साहाय्य करिवो। आज आम प्रत्येक मनुष्य जीवन सबुठ बड़ इंपोर्टेंट जिनस गुरुत्वपूर्ण जिनस आज डिस्कस करवा से हूँ हाउ टू चूज आवर कैरियर केमी आम जीवन में कैरियर चूज करवा से स्टूडेंट हूँ कहीं जॉब कर किए बिजनेस करे जहाँ कर आ जदि पेरेंट्स भी देखुं आपको बिल्कुल शेष पर्यटन देखा आप जरूरी कारण आपणकर कष्ट अर्जित धन एवं पिलार बहुत समय आम दे जो क्यारिययर को चयस करता से क्षेत्र में पिला विफल हुए तेल से जीवन सारा दुख कष्ट अभाव भितर तक काटा पड़ता है। कहती डिसीजन मेक्स डेस्टिनी आपणकर डिसीजन चयस आपणकर भाग्य निर्धारण करे। आपण छोट जिनसटे देखिथिबे आमे शर्ट पिंधिला बेले जदि गोटे बटम ऊपर गोटे बटम उलट पलट हो जाए संपूर्ण रूपे शर्ट पिंधिबार स्टाइल बिगड़ जाए। तेणु क्यारिययर हूँ सेमिति जीवन आरंभ जदि आमे परफेक्टली क्यारिययर चयस न करिपारे से आम जीवन टाक टोटाल उलट पलट कर दिए। तेणु क्यारिययर केमिति चयस करिबा क्यारिययर चयस कला बेले आम कौन भूल करते जहाद्वारा आमको असफलता देखा पड़े ये जिनस आज आम भल भाव डिटेल्स डिस्कस करवा। साधारणत क्यारिययर आम तीन रकम चयस करता स्टूडेंट्स देखुं आपको 100% लास्ट जाए देखु तीन रकम क्यारिययर चयस करता प्रथम फास्ट दुईट जाक 75% विफलता दे था अनसक्सेस लास्ट गोटिक जे कि 100% सक्सेस दे था। प्रथमटी हूँ आम क्यारिययर चयस करतासाथी की देखिकी आम पाठ पढ़ला बेले कई जन सांग कहे मुझे बीटेक करी किए कहे मु मेडिकल जीवि किए कहे मु जनरल लाइन में पढ़वी आम ताकू देखिकी आम क्यारिययर चयस करण सांग इंपैक्ट फ्रेंड सर्कल इंपैक्ट पिला बहुत अधिका थाए से क्षेत्र में आम 75% विफल होबार चांस थाए कारण आम अन्य को देखिक क्यारिययर चयस कर। सेकेंड टी हूँ बाप माँ फोर्स रे चापरे क्यारिययर डिसाइड करा जाए था निष्पत्ति करा जाए था। प्रत्येक बाप माँ किसी स्वप्न थाए मो पिला या करिवो जो क्षेत्र में से माने हुए तो बेले बेले से डिरेक्शन ने जाई फेरी आसछंती संपूर्ण भाव में से डिरेक्शन रे सक्सेस हो पार ना से चाहती मो पिला से डिरेक्शन जाऊ सक्सेस हो से क्षेत्र में 50% सफल और 50% विफल होबार चांस थाए। तेणु बहुत सतर्क हिसाब से आपड़ा क्यारिययर चयस करूँ कारण आप पिलार जीवन आ स्टूडेंट जी भी देखुं तांकर जीवन गोटे थर मात्र मिलता है से गोटे रंग डिसीजन संपूर्ण भाव में जीवन को इतस्तत बिगड़ दे था। थर्ड टी हूँ तृतीय टी हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट एज पर योर नेचर एज पर योर चॉइस नुह निज इच्छा हिसाब से नुह इच्छा तो बहुत किसी कहे आम छोट बे उड़ाजहाज देखला बेल भी कहते हैं पायलट हवा तापर गोटे डक्टर को देख सारा कहे ना डक्टर हवा इच्छा तो बहुत कहे एज पर योर क्यारेक्टर तुम निजर प्रकृति तुम निजर बडी नेचर कौन से हिसाब से क्यारिययर चयस कर दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। जदि पेरेन्ट देखुं ये जिनस को ध्यान से देखु आपण पिला भितर यूनिक क्वालिटी कौन अच्छे देखिए किसी पिला आर्ट बहुत सुंदर करसेट्रेसन लेवल बहुत अधिका से घंटा घंटा बस पढ़ी पारती किसी पिला आप देखि छोट बे कौन से गोटे जिनस दे खोलाखोली कर पुणी सेट सेट कर दिखती तेणु भगवान समस्त बडी किसी ना कि स्पेशल नेचर दे जदि मो बडर कम्युनिकेशन स्पेशल नेचर अच्छे आपर हूं तो धैर्य स्पेशल नेचर थे का माइंड में आउ कि स्पेशल नेचर थे का शरीर में आउ कि यूनिक क्वालिटी थे तेणु से क्वालिटी हिसाब से क्यारिययर चयस करवा इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग सबुठ गुरुत्वपूर्ण जिनस। जदि कौन पिला धैर्यर सहित बहुत समय पढ़ी पड़ी तेणु सी मेडिकल लाइन में जीवाटा दैट विल बी प्रिफरेबल ठीक हम कारण मेडिकल बहुत समय पाठ पढ़ा पड़ो जदि कौन पिला कौन से जंत्रपाती भला भाव खोलाखोली कर पार्टी तेणु से इंजीनियरिंग लाइन जीवार ठीक रहिबो
ତେଣୁ ଏ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଧ୍ୟାନସେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରନ୍ତୁ, ମୋ ବଡିରେ କ'ଣ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ଆଉ ସ୍ପେଶାଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକୁ ମୁଁ ଯଦି କ୍ୟାରିୟର ହିସାବରେ ଚଏସ୍ କରେ, ମୁଁ ଯେତେ କଷ୍ଟ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଲେ ବି ମୁଁ ସେ ଡିରେକ୍ସନରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିବି। କାରଣ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥାଏ ଆମକୁ ସେ କର୍ମଟା ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଖେଳି ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ ଥକୁଛନ୍ତି? କାରଣ ଆମକୁ ସେ ଖେଳଟା ମଜା ଲାଗୁଛି। ଯଦି ଆପଣ କ୍ୟାରିୟରଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମଜା ଲାଗେ, ତେଣୁ ଆପଣ ଯେତେ ଅସୁବିଧା ଥିଲେ ବି ଆପଣ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ରାଇଟ୍ କ୍ୟାରିୟର ଚଏସ୍ ଯଦି ଆମେ ନ କରିପାରିଲେ, ସହି କ୍ୟାରିୟର ଚଏସ୍ ଯଦି ନ କରିପାରିଲେ, ଆମ ଜୀବନରେ ବିଫଳତା ଆସିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ବହୁତ ଅଧିକା ଅଛି। ଆପଣ କହିଲେ ଯଦି ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର, ଯାହାକୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରିକେଟର ଗଡ୍ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଜଣେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ବନା ହେଇଥାନ୍ତା, ସେ କ'ଣ ସଫଳ ହେଇଥାନ୍ତେ? ଯଦି ଅବଦୁଲ କଲାମକୁ ଜଣେ କ୍ରିକେଟର ବନା ହେଇଥାନ୍ତା, ସେ କ'ଣ ସଫଳ ହେଇଥାନ୍ତେ? ଦୁଇ ଜଣ ତାଙ୍କ 100% ବିଫଳ ହେଇଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ନେଚର ହିସାବରେ, ସେମାନଙ୍କ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଚଏସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦେ ଆର୍ ଦ ଲିଜେଣ୍ଡସ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଡିରେକ୍ସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଲିଜେଣ୍ଡ, ଯାହାକୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତାଙ୍କ ଡିରେକ୍ସନରେ, ତାଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱର ସହିତ ସମାନ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଚଏସ୍ ହିସାବରେ, ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଆପଣ କ୍ୟାରିୟର ଚଏସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ 100% ସଫଳତା ଆଣିଦେବ। ତେଣୁ ଏ ଜିନିଷଟା ଆପଣଙ୍କ ଆଗକୁ ଆଣିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଥିଲା, ଯେ କ୍ୟାରିୟର ଆପଣ କେମିତି ଚଏସ୍ କରିବେ ଆଉ କେମିତି କ୍ୟାରିୟରରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଦେବି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ।